राशिद, देखिए आपके पहले सवाल का जवाब तो तभी मिल गया था, आज के तीसरी या चौथी, इससे पहले जो हमारी आपकी तीसरी चौथी डिबेट थी उसमें एक मुस्लिम सेफोलॉजिस्ट बैठे थे, विषय यही था कि मुस्लिम लोग या मुस्लिम महिलाएं बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगी। तो मैंने तब भी बोला था, आज फिर से रिपीट कर दूं, इन्होंने यानी कि जो ऐसे कट्टरपंथी सोच के लोग हैं, इन्होंने अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करके रखी हुई हैं, लेकिन बीजेपी ने बड़ी होशियारी से सेंध लगा दी है जो कि इनको ये देख नहीं रहा है। अच्छा, दूसरी चीज आप ये देखिए, जो इन्होंने ये किया है ये है क्या? ये लोग ये ऐसी सोच बताता है ना कि ये लोग हर काम तलवार की नोक पे करना चाहते हैं, जबरदस्ती करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिसके कारण पूरा पूरा मुस्लिम समाज, बहुत सारे अच्छे लोग हैं लेकिन बदनाम सब होते हैं कि भैया देह के साथ साथ शरीर को गुलाम बनाया जाए, जंजीरों में जकड़ा जाए। ये ऐसे लोग हैं जो रूह को, सोच को भी गुलाम बना के रखना चाहते हैं, और यही चीज बाहर निकल के आ रही है। ये जो बहन है, इसने जो ये रिवोल्ट किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं कि इसने अपनी रूह को गुलाम नहीं होने दिया है। दूसरी चीज जो आपने बोला स्प्लिट, डेफिनेटली यहाँ पे बीजेपी ने स्ट्रेटजिक वे में बहुत अच्छे तरीके से स्प्लिट किया। मैं अब भी मानता हूं और बोलता हूं कि ये उनका पॉलिटिकल गोल, प्राइमरी लेवल पे पॉलिटिकल गोल है जो सबसे ज्यादा फायदा होगा। मैं उस दिन भी मैंने बोला था बीजेपी ने केवल एक वर्टिकल ही नहीं किया है, इन्होंने हॉरिजॉन्टल और डायगोनल, अगर टीडी वे में देखा जाए तो मुस्लिम समाज को स्प्लिट कर दिया। हम दिखाएंगे सोशल रिफॉर्म कर रहे हैं लेकिन इसके बदले हम अपना पॉलिटिकल रिफॉर्म कर ले जाएंगे, क्या ऐसा कोई दौर है? मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। एक मिनट मैम, एक ही से मेरा सवाल है, फिर आपसे आपसे भी जवाब दूंगा। एक लास्ट में, लास्ट के लाइन में आपने जवाब दे दिया, मेरा भी जवाब यही होना था। देखिए, तीन तीन चीजों को आप देखिए, बीजेपी, आरएसएस और बीएसपी के चूंकि हमारे मित्र बैठे हुए हैं, इन तीनों को मिला के देखिए ये है क्या। इनफैक्ट अगर आरएसएस के नजरिए से देखेंगे तो ये आइडियोलॉजिकल रिफॉर्म है। आरएसएस जो है पूरी आइडियोलॉजी को ही चेंज करना चाहता है। अच्छा, बीजेपी के उससे आप अगर ये देखेंगे तो ये सोशल रिफॉर्म की तरह उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन वो पॉलिटिकल बेनिफिट लेंगे क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है, तो उनकी फितरत है, उनका अधिकार है कि पॉलिटिकल बेनिफिट लेना, किसी भी चीज का माइलेज वो वोट में कन्वर्ट कराना जानते हैं, चाहते हैं और सारी पार्टियां चाहती हैं। इसका एग्जाम्पल है रिजर्वेशन वगैरह के मुद्दे। अब बीएसपी का अगर आप ये देखेंगे तो बीएसपी के हिसाब से जैसे अभी इन्होंने बोला कि भाई आप आ जाइए अपने मौलिक धर्म में आ जाइए जो है वहां पर, तो ये उनके हिसाब से वो एक जो है रिलीजियस रिफॉर्म है। ये रिफॉर्म देखिए एक ही चीज है लेकिन तीन अलग अलग अगर संस्थाएं हैं तो उनके मकसद अलग अलग है। जो लास्ट लाइन में आपने बोल दिया था वो तीनों ही चीजें इसको अपने अपने तरीके से देख रही है। ठीक है डॉक्टर वंदना, देखिए प्रथम दृष्टया जो मुझे लगता है प्राइमा फेसी, ये बीजेपी की एक बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजिक रणनीति है, फ्यूचर ओरिएंटेड है कि फ्यूचर में इनको जो वोट बैंक के जो प्रॉब्लम आने वाली है। आपने वो एक वर्ड यूज किया था स्प्लिट, तो ऐसे ही अगर आप वोट बैंक का पाई चार्ट स्प्लिट करेंगे तो 2 साल 4 साल 5 साल के बाद इनके पास जो वोटों की कमी होगी, मे बी पॉसिबल अगर 4% वोट एडिशनल आते हैं तो 2-4% वोट एडिशनल खसकते भी हैं। ये अब दोनों तरफ से होता रहता है हर उसमें जो है, तो ये एक तरीके से आप इमरजेंसी आप उसको वो समझिए कि एडवांस में ये प्लानिंग करके चलते हैं कि 2 साल के बाद इतने परसेंट वोट बैंक हम यहां से ले लेंगे यहां से। अब देखिए योगी जी ने अभी क्या किया, जो ये कुछ लोगों को दलितों की उसमें कौन सी सूची में इन्होंने ट्रांसफर किया है ना, तो जितने भी परसेंट उसके जो लाभार्थी होंगे मल्टीपल बेनिफिट होंगे, ठीक है उनका कल्याण भी होगा लेकिन उसका एक वोट बैंक भी तो तैयार हो रहा है। बीजेपी अपने हर एक्टिविटी को वोट बैंक से, कोई भी ये चाहे उज्ज्वला गैस हो चाहे जो भी हो, हिडन वे में कहीं ना कहीं ये रहता है कि वो वोट बैंक में कन्वर्ट हो जाए। वो वोटिंग के दिन जो है वो पर्टिकुलर एरिया या वो पर्टिकुलर जो उसके उससे लाभान्वित हुए हैं वो हमारे वोट में तब्दील हो वोटिंग डे में। तो ये एक वही चीज मैं बोलता हूं कि बड़ी होशियारी से ये लोग काम कर रहे हैं, कई चीजें जो है एक साथ एक तीर से कई शिकार ये कर रहे हैं, और ये जो तीन तलाक है और ये सब चीजें हैं ये भी चाहेंगे कि अल्टीमेट ये वोट बैंक में कन्वर्ट हो। डॉक्टर वंदना, वो राष्ट्रवादी है हमारे लिए, जब उसमें महिला और पुरुष की कोई बात ही नहीं है। हिंदुत्व की सोच, दोनों में फर्क है। भारतीय सोच रखते हैं कि भारतीय सोच, जो भारतीयता की सोच रखता है वो राष्ट्रवादी है, इसको कह के बाट हिंदुत्व की सोच और वो मत बाटिए, जो भारतीयता की सोच रखता है वो भारतीय है हमारे। चले उमानंदन कौशिक जी, अब्दुल हमीद दुमानी जी, डॉक्टर वंदना पांडे,